नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए घर से निकले। पहले वह मंदिर गए और भगवान का आशीर्वाद लिया, जहां सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक उनके साथ रहे। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने फोन कर शुभकामनाएं भी दी। सोमनाथ भारतीय का काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल और सैकड़ों कार्यकर्ता सोमनाथ भारती के स्वागत में ढोल नगाड़े के साथ साथ नारे लगाते हुए आगे बढ़ गए। वहीं सोमनाथ भारती ने भी रोड शो में अपनी ताकत झोंक दी। अब फैसला 25 जुलाई को देखने को मिलेगा कि यह ताकत वोट में तब्दील होगा या नहीं। आज आप नमस्कार से पहले पूरे परिवार के साथ में मंदिर में पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर शुभ कार्य का शुरुआत परमात्मा के आशीर्वाद से होता है और मेरा तो हर कार्य ही हर रोज ही परमात्मा के आशीर्वाद से शुरुआत होती है। आज वही मैं कर रहा हूँ, चूँकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। जनता के 9 साल परमात्मा स्वरूप सेवा करने के बाद जनता ने आशीर्वाद स्वरूप सांसद के रूप में मैं 5 साल सेवा कर सकूं ये देने की ठानी है, तो आज परमात्मा के दरबार से शुरुआत किया है हमने। नामांकन भरने जा रहा हूँ, पत्नी मेरे साथ हैं, बच्चे मेरे साथ हैं, माता का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, दीदी का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ। बहुत शुभ है और मुझे लगता है इस लोकतंत्र को बचाने की कवायद में हम निकले हैं, इस संविधान को बचाने की कवायद में हम निकले हैं। जनता परमात्मा स्वरूप होकर के जरूर आशीर्वाद देगी। भाभी का पूरा आशीर्वाद है और भाभी के जरिए केजरीवाल जी का आशीर्वाद पहुँचा है, बहुत उम्दा है, बहुत शुभ है। मनीष जी का भी आशीर्वाद पहुँचा है, मनीष जी की वाइफ का आशीर्वाद भी फोन आया था, आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने भेजा है। पार्टी का हर नेता, समाज का हर बड़ा व्यक्ति, हर छोटा व्यक्ति, हर भाई, हर बहन, हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति आज आशीर्वाद स्वरूप हर तरफ आशीर्वाद दे रहा है। बहुत शुभ है।